नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे थोड़ी कन्या राशि राजयोग 2020 के लिए। 2020 में कन्या राशि वर्गो, वर्गो इंग्लिश नाम है, अंग्रेजी में वर्गो बोला जाता है कन्या राशि वाले व्यक्ति पर्सन को। पी से ज़्यादातर नाम शुरू होते हैं, इनका पी अक्षर रहता है, तो उनके लिए एक राजयोग बन रहा है 2020 के अंदर। राजयोग का मतलब ऐसा होता है वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर व्यक्ति पर्सन की उन्नति प्रगति ऐसे कुछ काम बन जाते हैं जो उनको काफ़ी फ़ायदा देके जाते हैं, बल्ब में फ़ायदा होता है, उनकी पूरी राह चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। वो राजयोग कैसे बनता है, अगर आपकी जन्म की कुंडली स्ट्रांग है, समझे कि अपने क्रिकेट की टीम कैसे रहती है, उसमें 11 प्लेयर रहते हैं, 11 प्लेयर में से 3-4 प्लेयर ऐसे रहते हैं जो फास्ट बैटिंग करने वाले रहते हैं, उसके ऊपर ही दारोमदार रहता है। वो 2-3 प्लेयर जैसे विराट कोहली है, शिखर धवन है, राहुल शर्मा है, इस टाइप के अपनी कुंडली में 9 ग्रह है ब्रह्मांड के अंदर, और वो 9 ग्रह में से जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है, जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है आपकी कुंडली में, उसको मद्देनजर रखो, उसके ऊपर फोकस कीजिए। वो फोकस करने से आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्लैनेट्स आपको क्या दे सकता है, उसके पास से क्या निकल सकता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो वीक प्लैनेट्स है उसको ज़्यादा मत देखिए, वीक प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो प्लैनेट्स पावरफुल है उससे ही आप गेन ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उससे ही नफ़ा आप कमा सकते हैं। इसलिए आपको देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर, राशि कुंडली, जन्म कुंडली में कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अभी बात कर रहे हैं जो 2 साल से 2.5 साल से काफ़ी पीड़ित है कन्या राशि, माइग्रेशन करना पड़ा, बिजनेस ठप हो गया इनका, धंधा रोजी रोटी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इधर से उधर घूमना पड़ा, कोई सेटिंग नहीं हो रहा है अभी भी जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, बिजनेस रनिंग था उसमें भी काफ़ी घाटा नुकसान हो गया है। लेकिन इनके लिए अभी जैसे मैंने बोला 5-11 से गुरु महाराज का यहाँ ब्रह्मण हुआ है, लेकिन 3 महीने के लिए गुरु महाराज जा रहे हैं, मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने के लिए गुरु महाराज शनि के ऊपर आने वाले, शनि यहाँ जैसे चेंज होगा उसके ऊपर गुरु महाराज का ब्रह्मण होने वाला है। शनि के ऊपर जब भी गुरु का ब्रह्मण होता है और ये गुरु आपकी राशि को देखेगा नवम दृष्टि से, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग बन जाएगा। इतना भारी राजयोग है कि पूछो मत, इसलिए कुंडली इतनी स्ट्रांग है समझो आपकी जन्म की, तो प्लैनेट्स ये टाइम में गोचर के ग्रह आपको खूब फल जाएंगे, खूब काम दे देंगे। इसलिए जैसे मार्च अप्रैल और मई ये 3 महीने के लिए गुरु महाराज अपनी मकर राशि में आएंगे, धनु राशि को छोड़ के शनि के ऊपर आएंगे मकर राशि में, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से राजयोग का निर्माण हुआ है। तो ये 3 महीने में आप फोकस कीजिए, आपके जन्म के प्लैनेट्स कौन से स्ट्रांग हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उस हिसाब से काम के लिए सेटिंग कीजिए। अच्छे पंडित जी, अच्छे ज्योतिष आचार्य जी को अपनी कुंडली की पत्रिकाएँ दिखाइए, उनसे आपको मालूम पड़ेगा कैसे प्लैनेट स्ट्रांग कौन से हैं, कौन सा काम करना चाहिए, किस दिशा में जाने चाहिए। ऐसे ही भटकते रहोगे तो कुछ ज्ञान या कुछ भी कुछ सेटिंग नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। गुरु अभी चेंज होने वाला है 3 महीने के लिए, यहाँ गुरु आपको राजयोग का निर्माण देगा। पिछले महीने में थोड़ा कुछ सेटिंग हुआ है आपका, या घर बार का, या ऑफिस का, या कहीं दुकान आपने भाड़े वगैरह भी रख सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ जो गुरु आने वाला है 3 महीने के लिए, ये अचानक बड़ा हिसाब देगा। पंचम स्थान का गुरु ऐसे भी बहुत ही लक्की माना जाता है, बहुत अच्छा हिसाब देते हैं, अचानक धन संपत्ति लॉटरी आपके हाथ में लग सकती है। यहाँ गुरु पंचम स्थान ही लॉटरी का होता है, यहाँ गुरु का आगमन आपके लिए 4 चांद लगा देगा, कुंडली चेंज हो जाएगी, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा नफ़ा दिखने लगेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 महीने में राजयोग बनने वाला है, फोकस कीजिए, कुंडली को स्ट्रांग बनाइए, कुंडली के हिसाब से आप ग्रहों को समझिए और उसको फॉलो करके चलिए, दशा गोचर जान के चलिए, ये आपके लिए बहुत ही लक्की है 3 महीने। नमस्कार।